हाथी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो हंडा लगायब चार डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगायब चार डंडा। भोजपुरी में कहीं ना कहीं जो है वो अश्लीलता को ज्यादा, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको भोजपुरी में आप किनको ज्यादा सुनती हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ गाने पवन जी के सुनती हूँ। नो डाउट, ये भी फैक्ट है कि उन्होंने अश्लीलता को भी सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बतिया ना दिल से भूलो ना रे बिरना, हम ना ही माटी के खिलौना रे बिरना। पूरी को पॉपुलैरिटी तो बहुत मिली पर सम्मान अभी तक नहीं मिला। स्पेशली आज के जो नए कलाकार जो मैं देख रही हूँ, और गंदे गंदे अश्लीलता से इतना भरा है कि फैमिली के सामने तो आप वो सुन ही नहीं सकते। मेहंदी रच गई मेरे हत्था विच तेरे नाम दे माया, छेती डोली लेके आजा डोलना। पूरे विश्व के लिए तो वो प्रभु श्री राम है, पर वो हमारे लिए हमारे जीजा हैं। और सिर्फ मिथिला वासियों को अधिकार होता है कि अपने पाहुन को हम प्यार से गारी भी दें। मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, कि आज लोढ़ी से सिकाए उनके गाल सखिया। तो अगर यही करना होता, जल्दी पॉपुलैरिटी चाहिए होती और हमको हमें भी व्यूज़ कि हम भी 400-500 मिलियन से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे, ये वाला एटीट्यूड होता तो हम भी कर लेते, क्योंकि सुर से लेना देना होता नहीं। एक ढिकचिक एक स्टाइल बन गया है, ट्यूनर का स्टाइल बन गया, लोगों को क्या है नहीं उससे मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ एक वाइब चाहिए होता है। हाथी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो हंडा लगायब चार डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगायब चार डंडा। से पहले ही आपने कह दिया लगावे चार डंडा। बट भाई सिंगर का इंटरव्यू हो तो मतलब मुझे लगता है डंडे वंडे की जरूरत तो नहीं पड़ती है, मतलब एकदम म्यूजिकल माहौल में जो है बातचीत होती है। तो ये बताइए क्या चल रहा है आजकल? सब अच्छा चल रहा है, और ये गाना एक्चुअली बहुत चल रहा है जो हमने आप के लिए अभी गाया, और सारे आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर दी एबीपी के दर्शकों के लिए जो गाया। तो बेसिकली हमारे, हम बता दें कि हम बिहार के मिथिला के क्षेत्र से आते हैं, जहाँ से हमारे जगत जननी माँ सीता हैं, और हमारे लिए वो बड़की दीदी होती है, तो हम छोटकी बहन होते हैं। तो हमारे तरफ ना जब दूल्हा वाला दहेज का डिमांड करता है तो चाची मौसी दादी जो है सब घूंघट ओढ़ के और ये गाती हैं कि हाथी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो हंडा लगायब चार डंडा दिमाग होबे ठंडा। तो ये बहुत पुराना फोक है, और हमारा अभी जैसे हम बिहार से तो हम अपने बिहारी म्यूजिक पे काफ़ी काम कर रहे हैं लोकगीतों पर, तो हमारा यही अंदाज़ है कि हम लोकगीत को पिक करके उसको आज के ज़माने का बनाते हैं, यानी ट्रेंड और ट्रेडिशन को मिक्स कर लेते हैं, ताकि आज का युवा जो है कहीं ना कहीं अपने रूट से कनेक्टेड रहे। तो एक बात ये थी, और दूसरा था कि भोजपुरी में कहीं ना कहीं जो है वो अश्लीलता को ज्यादा। बिल्कुल, सुन के मुझे बड़ा मजा, और बड़ा अच्छा मैसेज है इसमें कि भैया दहेज वहेज मांगोगे तो डंडे पड़ेंगे, और बिल्कुल दहेज मांगना बुरी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने एक मोटरसाइकिल का भी प्रचार फ्री में कर दिया, तो आपके गाने के साथ साथ मुझे लगता है उनकी भी सेल थोड़ी सी बढ़ गई होगी। ठीक है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें एक क्या कहते हैं, एक मिठास भी है, एक फन भी है, और एक मैसेज भी है। तो जो कहीं ना कहीं जब हम भोजपुरी की बात करते हैं तो मतलब बड़े अजीब अजीब से नाम, वो मैं अभी रवि किशन जी का इंटरव्यू कर रहा था, कह रहे यार मेरा एक गाना है लहंगा उठाबे रिमोट से, मैं उसे गायब कर देना चाहता हूँ। लापता लेडीज पे रहे, मैंने कहा क्या लापता करना चाहेंगे? हाँ। तो कहते यार ये गाने को मैं लापता कर देना चाहता हूँ। मतलब जो उन्होंने काम किया वो कहीं ना कहीं वो खुद भी चाह रहे हैं कि वो अब सामने ना आए। तो जब इतने अच्छे गाने बन सकते हैं जिनमें फन है, जिनमें मैसेज है, जिनमें मजा है, तो फिर अश्लीलता पे ये लहंगा और चोली पे क्यों अटका रहता है भोजपुरी? पता नहीं, मतलब मैं तो खुद अभी 2-3 सालों से अपने स्पेशली अपनी भाषा पे काम करना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में होता है कि जल्दी पॉपुलर कैसे होना है, जल्दी वायरल कैसे होना है। तो ये चीज़ें अब डेफिनेटली इसकी ऑडियंस अलग होती है। आप देखिए इन सब गानों का व्यूज़ देख लीजिए, और जो अच्छे गाने उसका व्यूज़ देख लीजिए, ये 400-500 मिलियन से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं, बट जो अच्छे गाने होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये एक कल्चर बन गया 10-15
मतलब 15-20 सालों से मुझे लगता है कि भोजपुरी में क्या अश्लीलता ज़्यादा है या ऑटो ट्यूनर जो एक एक टोन होता है इनका, जबकि आप लोकगीत देखें इतने सुंदर सुंदर लोकगीत हैं और बहुत अच्छे गाने भी बने, बट कहीं ना कहीं रेशियो इतना ज़्यादा अश्लीलता का था तो वो बिहारी म्यूज़िक की पहचान ही अश्लीलता हो गई। अभी जैसे हम मुंबई में काम करते हैं, बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, अभी हमारा महारानी 3 सीरीज़ में गाना आया और बाकी सारे एल्बम्स कर रहे हैं। बिल्कुल चाहूँगा मैं कि आप थोड़ा सा सुना दे, क्योंकि बड़ी शानदार सीरीज है और हुमा तो मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं। कई से के डर जाई यारी के सामनवा, अखिया में अख डारी, अखिया में अख डारी तुर बेगुमनवा, कैसे के डर जाई बतिया ना दिल से भूलौ ना रे बिरना, हम नाही माटी के खिलौ ना रे बिरना, हम नाही माटी के खिलौ ना रे बिरना, हो नदिया के पानी जस बेदाग चरवा, हियरा के पूरा हुई है तब जाके छतिया भूलौ ना रे बिरना, हम नाही माटी के खिलौना रे बिरना, हम नाही माटी के खिलौना रे बिरना। बहुत प्यारा। अच्छा, जब इतना मीठा है जी, एक सक्सेसफुल वेब सीरीज में भी इसे शामिल किया गया, बिहार की पृष्ठभूमि पर ही वो वेब सीरीज है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक कुछ साल पहले की बात है, हम लोगों ने होली का शो किया, वहाँ पवन जी को बुलाया, तो किसी को भोजपुरी आती नहीं थी, सब हिंदी भाषी लोग हम दिल्ली में नोएडा में वो शूट हुआ था, तो हालांकि थे बिहार के लोग हमारे मीडिया में काफ़ी हैं, बट वहाँ जो लोग सब प्रोग्राम कर रहे थे ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग थे, तो वो आए और उन्होंने जब गाना शुरू किया, आधा घंटा पौना घंटा उन्होंने गाया, हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सब इतना एंजॉय कर रहे थे और साफ पता चल रहा था उसमें कहीं कोई अश्लीलता नहीं थी, कहीं कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल क्लीन एंटरटेनमेंट। तो जब ऐसा एंटरटेनमेंट हो सकता है तो फिर वैसा क्यों होता है? मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको भोजपुरी में आप किनको ज्यादा सुनती हैं, बट मेरा ज्यादा लोकगीत पे है, तो मैं पुराने जैसे शारदा सिन्हा जी मेरी एक वन ऑफ द आइडल रही हैं, उनको सुनती हूँ, या बहुत सारे गीतकार हैं, महेंद्र मिश्र जी हैं, भिखारी ठाकुर हैं। अभी मैं आप किनको सुनती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ गाने पवन जी के सुनती हूँ, नो डाउट, क्योंकि वो सिंगर बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे लगता है भोजपुरी में उनके ऐसे सिंगर कोई है नहीं जो उनकी रेंज है और जो उनका स्टाइल है, बट हाँ उन्होंने अच्छे गाने भी बहुत गाए, छटके गाने गाए हैं, कुछ गाने मैं खुद स्वयं गाती हूँ। जानते थे तो लगावे लू जब लिपस्टिक से जानते थे, वो गाना बहुत पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है, इंटरनेशनल वो हिट है। हमें ये पता था कि जब भी कुछ होता था जो हमारे बिहार के साथी न्यूज रूम में होते हैं ना, ए चलाओ रे लगावे लू लपे वाला, हमें वही गाना पता था और कोई पता नहीं था। और उनके बहुत सारे गाने दो तीन जो मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, जो हम अपने मन से भी गाते हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उन्होंने अश्लीलता को भी सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जो कि ये बात है। तो हम उनसे एज अ म्यूजिशियन थोड़े से नाराज इस बात पे थे, हालांकि वो बहुत सीनियर हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे जैसे आपने कहा कि जब इतनी सारी चीज़ें, इतना क्लीन कंटेंट रह के भी व्यूज आ सकता है, तो मेरा यही कभी ना कभी मैं नाराज, मेरी नाराजगी के कारण ये है कि जब आप इतना कमाल का गाते हैं और आपने भोजपुरी को एक ग्लोबली नाम भी दिया है, मुझे लगता है कि भोजपुरी का ग्लोबल अगर पॉपुलैरिटी हुई है तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी का बहुत बड़ा है इसमें, बहुत बड़ा हाथ है। बट एक बात है, देखिए जो मैंने नोटिस किया है इसी पे मैं काम कर रही हूँ कि भोजपुरी को पॉपुलैरिटी तो बहुत मिली पर सम्मान अभी तक नहीं मिला, सम्मान की कमी, ऑडियंस बहुत है, 500 मिलियन है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं यहाँ पे, मतलब बॉलीवुड के कितने गाने के व्यूज से बहुत आगे है भोजपुरी के, बट कहीं ना कहीं सम्मान की कमी है, क्योंकि पहचान ही हो गई है कि अच्छा
जैसे पहले जब हम अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में थे, जब ऑडिशंस देते थे, तो लोग हमारी भाषा या हमारा गाना सुन के उनको नहीं लगता था कि हम बिहार से, तो एक होता ना कि अच्छा तुम तो बिहार की नहीं लगती हो, तो हम उनको बोले कि हम कैसे, अब गमछा लेके तो हर टाइम नहीं चल सकते हैं, पहले बहुत अच्छा, बट जब बताओ कि बिहार से हो तो अच्छा बिहार से हो तो तुम लोग में इतना ट्यूनर और मतलब ये ढोरी चटनी यही सब लहंगा ये सब क्यों होता है, तो मेरे दिमाग में मुझे बड़ा हिट ट्रिगर करता था कि नहीं ये नहीं है असली लोक गीत, जो जितने हमारे मतलब हमारे पास आप सोचिए हर कल्चर के गीत हैं, दूल्हा की जब एंट्री होती है चुमावन एक होता है परछन होता है, वहाँ से लेकर हल्दी से लेकर हर ऐसा कोई रिचुअल नहीं है जो हमारे यहाँ लोकगीतों में उसकी चर्चा नहीं हुई है, तो बट कहीं ना कहीं है लोगों को बहुत जल्दी, स्पेशली आज के जो नए कलाकार जो मैं देख रही हूँ और गंदे गंदे अश्लीलता से इतना भरा है कि फैमिली के सामने तो आप वो सुन ही नहीं सकते हैं, तो बट फिर मुझे था कि ठीक है अब सबके अपने अपनी चॉइस है, हम एक को तो सही करने तो नहीं बैठे, हम अपने संगीत से उसको सही कर सकते हैं, हम अपना काम करते हैं, तो इस तरीके से हमने लोकगीतों पर जो है उसको नए अंदाज में करना शुरू किया, और ये जो हमने हाथी लेवे गाया ये लगातार 1.5 महीना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड किया है, 15th नंबर पे एक उसमें होता ना टॉप 50 या, तो लोग मतलब फिर लोग कह रहे थे, और सिर्फ बिहार मतलब इंस्टाग्राम पे 400 मिलियन से व्यूज ऊपर हो गए, तो एक ये बहुत बड़ा लगा लोगों को कि मतलब, और यू नो अलग अलग मीम्स पेजेस अभी बड़े सोशल मीडिया पे हो गए, तो कहते हैं दिस इज द रियल भोजपुरी, ऐसे गाने होने चाहिए, तो अभी इसलिए हम से कम बात तो शुरू हुई मतलब अच्छा जो कहीं ना कहीं एक्टर्स और सिंगर्स का एक कॉम्बिनेशन आया कि जो एक्टर हैं वो खुद ही गाना भी गा रहे हैं, ठीक है मतलब सबको शौक है कि जो सिंगर है उसको हीरो बनना है, मतलब कई हमने बॉलीवुड में भी देखा कि कई सिंगर अच्छे खासे सिंगर्स ने हीरो बनना के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मतलब वो ना तो फिर सिंगर रह पाए हीरो वो बनना पाए, ठीक है तो ये भोजपुरी में आपको लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा होता हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री का खास तौर पे, मतलब हम एक्टिंग वाले जोन में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बट ठीक है सबको होता है एक्सप्लोर करने का, उनको लगता है कि अगर 2-3 लोग अगर बढ़ावा दे दिया तो हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं, अब जैसे पवन जी की बात करें तो अच्छे एक्टर, वो एक्टर भी अच्छा उतना हम फॉलो नहीं कर पाते, बट गाते हैं एक्टर भी अच्छे, बट बहुत सारे जो नहीं है वो भी नए नए जो कलाकार आ रहे हैं एज अ सिंगर डेब्यू किए हैं 2-3 वीडियोस में आ जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि हम अब एक्टर भी बन सकते हैं, तो ये एक्चुअली ये हॉलीवुड वाला कल्चर आप देखिएगा तो वहाँ पे क्या होता है ना, दे एक्ट ऑल्सो दे डांस ऑल्सो और वो गाना भी अच्छा गाते हैं, हाँ बट वो स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड होता है उसके बाद वहाँ पे, मतलब कई बार वो 40 साल में भी डेब्यू करता है, नकलची बंदर एक होता है ना मुझे लगता है, तो यही लोग एक दूसरे को देख के मुझे लगता है इनको लगता है कि हम भी कर सकते हैं, तो ठीक है करिए अब क्या किया जा सकता है, मतलब अच्छा आपका म्यूजिक से जो रापता हुआ वो कैसे हुआ, बचपन में घर पे कोई था जो संगीत से जुड़ाव था या फिर किस तरह से? तो हमारी फैमिली जैसा कि बिहार में आप जानते हैं कि ज्यादातर हम लोग यूपीएससी बीपीएससी के लिए जाने जाते हैं, हाँ मतलब ऐसे काटेंगे तो ऐसे पॉलिटिक राजनीति निकलेगी, तो ठीक है हमारे और हम जैसे हमारा जो फैमिली हम कायस्थ परिवार से आते हैं, चित्रगुप्त जी के हम वंशज हैं, तो हमारे यहाँ कलम से वार किया जाता है ज़्यादा कहा जाता है, जो लाला जी लोग होते हैं वो कलम से वार करते तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे मतलब मेरी दीदी हैं डॉक्टर्स हैं सीए हैं इंजीनियर्स हैं नेवी में हैं, बट हम पहले कलाकार जो है वो पैदा हो गए, बट कहीं ना कहीं था संगीतमय माहौल परिवार में क्योंकि फुआ लोग गाती वाती थी, बट उस जमाने में और अभी भी अब थोड़े से हम लोग कुछ कलाकार बाहर निकले हैं बिहार से और इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं नाम करने का, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस हुआ है कि आर्ट्स भी एक करियर हो सकता है, नहीं तो पहले तो था ही नहीं, मतलब ये हॉबी है गाना गा लो लेकिन तुमको करना तो फिर वही है जाके, तो कोई सपोर्टिव नहीं था, बट मेरे पापा मम्मी दोनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा था कि उनके मन में था कि कोई भी मेरा बेटा बेटी हो तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो, तो मेरे अंदर था पता नहीं बचपन से वो आ गया था, तो हम चलते भी थे झुमक झुमक के, तो मेरी चाची मुझे एक नाम दी थी झुमकी, जो बहुत सारे मैं अपने इंटरव्यूज में अपने दर्शकों को बताती हूँ, तो मेरा था पता नहीं संगीत शुरू होता था और हम भी शुरू हो जाते थे, तो जैसे होता है ना कि बच्चे को ज़बरदस्ती कभी फैमिली फंक्शन में बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा गाते हैं गा के सुनाओ, तो बच्चे लोग शर्माते हैं कि क्या तुम मम्मी पापा जब देखो तो शुरू हो जाते हो, हम वेट करते थे कि कब बोले और हम शुरू हो जाए, तो मेरे था हमेशा से था, और बहुत कम सालों में बहुत कम एज में मैंने सिंगिंग की शुरुआत कर दी, तो पहले हम डांसर थे एक्चुअली, हम पहले डांस करते थे, हाँ
तो हमने भरतनाट्यम सीखा एक साल, फिर हमने कथक सीखा 1.5 साल, उसके बाद कथक क्लासेस जहाँ चलते थे ना उसके नीचे सिंगिंग क्लासेस भी चलता था, तो जब हम अपना घुंघरू खोलते थे तो सारे का मैं पद निशा ऐसा प्रैक्टिस करवाते तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। और हमारा था कि मुझे आईने से बहुत प्यार है, हर लड़की को आईने से प्यार होता, बट मेरा कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, तो हम जैसे कथक भी करते थे ना तो हम आईने के सामने ही करते थे कि मतलब वो मेरी ऑडियंस है और हम परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर वही कंघी लेके मेरा गाना शुरू हो जाता था। तो मम्मी पापा काफ़ी नोटिस करते थे, और मेरे पापा को मतलब उन्होंने सुना बहुत है, तो होता है ना कानसेन हो जाते हैं, तानसेन तो नहीं बन पाए पापा लेकिन कानसेन बन गए। तो मम्मी पापा को बहुत समझ थी सुरोग की, कहीं ना कहीं वो गिफ्टेड था, तो उनको समझ में आ गया कि इसके अंदर म्यूजिक है। तो उसके बाद हमने फिर डांस से शिफ्ट करके, अब 7 साल के बच्चे क्या क्या करें, डांस भी करें, पढ़ाई भी करें, सिंगिंग भी करें, तो फिर मुझे लगा कि मुझे खुद भी एहसास हुआ बहुत बचपन में कि मुझे इसी में जाना है, मुझे जो करना है इसी में करना है। तो 7 साल की उम्र से फिर प्रॉपर इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक होता है उसकी शुरुआत 2017 में हम मुंबई आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता था कि जो है वो यहीं है। वालों ने आने दिया? हाँ हाँ, बहुत सपोर्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे हमने भी बहुत ऑडिशंस दिए सारे गाँव पर इंडियन आइडल, बट थोड़े से राउंड्स में जाते थे बट छट कर आ जाते थे। उस टाइम में रियलिटी शोज में बिहारियों का थोड़ा मजाक भी उड़ाया जाता था, स्पेशली वो टारगेट किया जाता था कि हम बिहार से हैं तो वो लॉलीपॉप लागे लो और यही सब गाते थे, बट ऐसा नहीं था, हम लोग भी ऐसे थे जो सीखे पड़े थे, बट ठीक है वो कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी और हमारे अंदर भी कुछ फ्लॉज होगा तो उससे सीखते थे, उसको बुरा नहीं मानते थे। बट मेरे अंदर था कि मेरी इच्छा थी कि कुछ एक थोड़ा सा जो नाम हो ना तो कुछ अलग सा हो, क्योंकि मुझे हमेशा एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मजा आया। जैसे मेरा बैकग्राउंड प्योर क्लासिकल रहा, बट मेरे मन में था कि हमको सिर्फ क्लासिकल नहीं गाना, हमको हर तरीके का गीत गाना, फोक भी गाना है, वेस्टर्न भी गाना है, गज़ल भी गाने हैं, फिल्में भी गाने हैं, तो क्लासिकल स्ट्रांग था, तो कहीं ना कहीं वो सीखते सीखते सुनते सुनते वो सब आ गया। तो अभी भगवान की कृपा से हम हर स्टाइल को अपनाते हैं तो मेरी आवाज़ में लोगों को पसंद आता है। तो भगवान की कृपा थी कि ये शो मिला, हमने ऑडिशन दिया और हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हमें पता नहीं था कि कहाँ तक आगे जाएंगे। और इस कंपटीशन में शंकर महादेवन से लेकर हर बड़े बड़े जज आए थे, मीत ब्रदर्स आए थे, सचिन जिगर, जो हमारे मेन जजेस थे वो थे सोनाक्षी सिन्हा, उसका कनिका कपूर और शेखर अफजानी, विशाल शेखर के शेखर। तो बहुत कमाल का शो था, बहुत अलग ये कॉन्सेप्ट था, तो पता नहीं था हमें कि करते करते हम रनर अप बन जाएंगे, तो हम उपविजेता हुए थे इस कार्यक्रम के। तो वहाँ से फिर ना मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भी ज़्यादा कनेक्शन हो गया, तब हमने सोचा कि बॉलीवुड तो डेफिनेटली हम मुंबई आए हैं और बॉलीवुड में हमें नाम करना है, बट कहीं ना कहीं हमें अपनी भाषा को भी प्राथमिकता देनी है, क्योंकि ये जो इमेज है बिहार का उसको चेंज करना है। तो दैट्स हाउ आई शिफ्टेड टू मोर ऑफ फोक म्यूजिक। हम बॉलीवुड भी कर रहे हैं, हमारा भुज में हमारा एक गीत आया था जिसमें अजय देवगन वगैरह सब थे, बट वो एक बैकग्राउंड के तरह से था। बट साथ साथ फिर हमने काफ़ी 2-3 पंजाबी में भी काफ़ी जैसे नीरज शिदर के साथ, जैसे जसबीर के साथ कुछ एल्बम्स किए हैं, फिर अभी अलग अलग सिंगल्स का जमाना है जो चल रहा है। या आई सिंग इन ऑल लैंग्वेजेस, मैंने तेलुगु में परफॉर्म किया है, कुछ पंजाबी में सुना दे तो मजा आ जाए। मेरा एक गीत आया था, कुछ नहीं आता पंजाबी गानों में, नहीं समझ में आता, सब दिलवा देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को पंजाबी सिंगर, क्या गुच्ची अरमानी ये वो, भाई मतलब गरीब लोग भी होते हैं। हाँ, सो ओके, एक राहुल वैद्या हमारे बहुत अच्छे सिंगर है परफॉर्मर इंडस्ट्री के, उनके साथ हमने एक सिंगल किया था जो कि शादी के सीजन में रिलीज किया था। तो वो एक गाना था कि मैया वे मैया मेरे नालू वे हया तेरे संग तेरे लावा लैणिया लैणिया है किन्ना है सोना माही रब्बा ही होना माही रब दे वदाया लैणिया मेहंदी रच गई मेरे हत्था विच तेरे नाम दे माया छेती डोली लेके आ जा डोलना दूल्हा पैण के सज गई दुल्हन तेरे मैं बने माया छेती डोली लेके आ जा डोलना डोलना। तो ये बड़ा रील्स पे काफी ट्रेंड हुआ। प्यारी आवाज है आपकी, मतलब अभी पिछले हफ्ते ही इसी कमरे में पलाश सेन थे। अच्छा, हाँ, तो वो भी मतलब हाँ। उनके भी गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं हम बचपन से जो हैं सुने हमने, तो मतलब तो उनसे भी मैंने वो वाले गाने सुने, मैंने कहा जो मैं बचपन में सुना करता था। तो एक बड़ा बड़ा म्यूजिकल सा माहौल बना, और आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही एकदम, मतलब मजा आ रहा है गाने सुनने में। तो गाने शुरुआत हुई, और फिर आगे का सफर जो है वो किस तरह से आगे चला?
बिल्कुल, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन के वक्त, एक्चुअली अगर उससे पहले हम हिंदी हिंदी कर रहे थे और मतलब धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, फिर भुज आई, फिर थोड़े और, फिर आगे से और चैनल्स के जो है वो आए कि प्रिया से गवाना है, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमने अलग अलग चैनल्स के लिए गाना शुरू किया। अध्ययन सुमन के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो कि बिल्कुल हमारे जोन से एकदम वेस्टर्न सिंगिंग था। आई नो हीरा मंडे के लिए, यस बिल्कुल, तो उनके साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था आई वॉन्ट टू बी विद यू, जो कि बहुत सुंदर एक सिंगल था, बहुत अच्छा था वो, एकदम इंडो वेस्टर्न सिंगिंग स्टाइल था। सो उसके बाद फिर लॉकडाउन में एक्चुअली हमने एक अपना मैथिली गीत डाला, क्योंकि हमारे मिथिला में जो भी होता है इट्स ऑल अबाउट राम, तो हमारे यहाँ जो है वो पूरे विश्व के लिए तो वो प्रभु श्री राम है, पर वो हमारे लिए हमारे जीजा हैं, तो हम उन्हें पाहुन कहते हैं, और सिर्फ मिथिला वासियों का अधिकार होता है कि अपने पाहुन को हम प्यार से गारी भी देते हैं, तो ये प्रिविलेज जो है वो और किसी को नहीं होता, वो हमारे पास होता है कि हम उनको प्यार से गारी भी दे सकते हैं। तो एक गीत है हमारा जो कि बहुत वायरल हुआ था, तो उसमें कहते हैं कि आजो मिथिला नगरे याने हाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जिक्रा लागे जोगी मुने जप तप कैले से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अले, कि आज लोढ़ी से सिकाए उनके गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाए उनके गाल सखिया, के चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो ये गीत हमने लॉकडाउन में डाल दिया था और डालने के 2 साल तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, ये सिर्फ 12,000 व्यूज पे अटक गया था, बट कहीं ना कहीं हमें विश्वास था कि ये पारंपरिक लोकगीत है और इसको मैंने अपने नए अंदाज में गाया है, और 2 साल के बाद ये ऐसा वायरल हुआ कि इंस्टाग्राम पे लगभग अभी 6-7 बार अलग अलग हर 2 महीने में ये ट्रेंड में आ गया, और कम से कम 16-20 करोड़ से ज़्यादा इसके व्यूज़ गए हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, और अभी कुछ 10 मिलियन होने वाले हैं यूट्यूब पे। तो उसके बाद से हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब लोगों को हमारा ये अंदाज भी पसंद आ रहा, तो फिर दैट्स हाउ हमने लोकगीतों पर काम करना शुरू किया। अच्छा, जो कहीं ना कहीं आपने एक राह पकड़ी है लोकगीत भोजपुरी, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन, सो कितनी डिफिकल्टी महसूस हो रही है? एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि लोग जल्दी, अभी जैसा आपने बोला ना कि उनको वही पसंद है, एक ढिकचिक ढिकचिक एक लूप लग जाता है, हौसला हारती हैं आपकी, नहीं मैं भी कुछ कर लेती हूँ ऐसा, नहीं हम व्यूज के भूखे नहीं हैं, अगर करना होता तो अभी भी हमें हर 2 दिन पर अभी, और हमारा भी गाना लगातार ट्रेंड में हो रहा है, तो हर दिन हमें वैसे भी गाने के ऑफर आते हैं, तो अगर यही करना होता, जल्दी पॉपुलैरिटी चाहिए होती और हमको हमें भी व्यूज कि हम भी 400-500 मिलियन से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे, ये वाला एटीट्यूड होता तो हम भी कर लेते, बट क्योंकि हम, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, जैसे हमने कहा कि हम जगत जननी माँ सीता की भूमि से आते हैं, उसकी उनकी छोटी बहन एज अ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारे मिथिला, हमारा संस्कार, तो हम, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि अच्छा ये भी एक अलग मिथिला और भोजपुरी का अंग हो सकता है, ट्रेंडी जो म्यूजिक कहते हैं, तो हमारा गाना भी ट्रेंड होता है, अच्छे अच्छे लेवल पे ट्रेंड होता है, तो वो करना होता तो कब का कर लिए होते, थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि इनकी रीच बहुत ज्यादा है, ये तुरंत आता और 2 दिन में ऐसा 10 मिलियन पहुंच जाता, बट हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट हाथी लेवे के साथ ऐसा नहीं हुआ था, विद इन 2 दिन में यह गाना ट्रेंड कर गया था और अभी 5 मिलियन शायद होने वाला है, तो खैर कहीं ना कहीं व्यूज मैटर करता है, बट कहीं कहीं ना कहीं मेरे लिए ना भी करता, मतलब दोनों साइड है, मुझे लगता है कि मेरा संगीत जो है ये हमेशा रहेगा, मतलब ये जो रिलीज हो गया वो मेरे जाने के बाद भी रहेगा इस दुनिया में, तो अच्छा संगीत जाए, और अभी तक मेरे लिए संगीत ने बहुत कुछ किया, जो भी मुझे थोड़ा बहुत नाम मिला और आगे जाके भी और होगा, बट मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने संगीत को, अपनी सरस्वती को अच्छी चीज़ें दूँ, और अपने लिए तो कर रही हूँ, बट मेरा है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ, तो अच्छा संगीत समाज को, तो दैट्स माई मोटो। अच्छा, एक वर्ड आजकल बहुत सुनते हैं, ऑटोट्यून, उस पर क्या आपके थॉट्स? अभी मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे आजकल इंस्टाग्राम, आपने कहा कि आपका गाना इंस्टाग्राम पे नंबर, इंस्टाग्राम रील्स आजकल हम सब देखते हैं, मैंने नूरन सिस्टर्स ने एक पटाखा गुड्डी गाया था, तो उन्होंने एक अवार्ड लेते हुए उन्होंने गाना गाया, जी जी जी, मैंने सुना, और मैंने कमेंट्स पढ़े, मैं लिख रखा था देख
क्रैश एवरी वन ऑटोट्यून, वही वो ऑटोट्यून लेफ्ट द चैट एंड फलाने सिंगर का करियर इन्होंने 30 सेकंड में खत्म कर दिया. इट वॉज सो इम्पैक्टफुल. सुखविंदर एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने दो लाइन सिर्फ गाई, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो गए बैठे बैठे. तो हाउ यू सी दिस कि जो ऑटो ट्यून है कहीं ना कहीं दर्शकों के साथ धोखा है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे जो बॉलीवुड स्टाइल है ना, हम भी यूज करते हैं, हर सिंगर यूज करते हैं, ठीक है. लाइव में एक हमारा अलग स्टाइल होता है, वो रॉ सिंगिंग होती है, क्योंकि पहले के जमाने में नहीं होता था इतना, क्योंकि सब कुछ लाइव होता था. अब जो क्या है ना, म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मतलब हम कुछ लाइव डब्स करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती हैं, बहुत सारे अलग अलग सबके फॉर्मेट्स होते हैं. तो हम भी ऑटो ट्यूनर यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है, चाहे अरिजीत सिंह सर हो या सुनिधि मैम हो, सब सारे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं. बट वो आपके वॉइस को इन्हांस करने के लिए होते हैं. जैसे होता ना कि हम कोई डिश बना रहे, खाना बना रहे, तो अलग अलग मसाला ट्राई करते हैं ताकि उसका स्वाद बढ़े. ये नहीं कि पूरा भर भर के नमक हल्दी डाल दिए, नहीं. तो हमारे तरफ ये है कि हम भी यूज करते हैं, बट उसकी एक मात्रा होती है यूज करने की, कि उससे आवाज सुंदर लगे, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है उसके साथ हम रॉ वॉइस नहीं डाल सकते, वो बहुत अजीब सा साउंड करेगा. तो उसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा थोड़ा परसेंटेज ऑडियो ट्यूनर सब यूज करते हैं. बट हमारे तरफ क्या है, जो इधर जो कल्चर है, और भी बहुत सारे हरियाणवी म्यूजिक भी मैं थोड़ा बहुत सुनती हूँ, उनमें भी यूज होता है. तो हमारे तरफ एक्चुअली ऐसा लगता है ना कि हम ऑटो ट्यूनर यूज नहीं कर रहे, ऑटो ट्यूनर सिंगर को यूज कर रहा है. तो ये कल्चर है. कि वो एक बहुत पुरानी फिल्म है, ओम प्रकाश एक कॉमेडियन हुआ करते थे, एक्टर बड़े अच्छे, तो उनका एक डायलॉग था कि इस पानी में दूध है. इस दूध में पानी नहीं है, इस पानी में दूध है. तो दूध में पानी नहीं डालते हैं, पानी में दूध डाल देते हैं. देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए. अभी क्या है कि हम हैं बिहार से, लेकिन हम में तलब थी हर चीज़ को सीखने की, कि मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है. तो बहुत सारी म्यूजिकल की टेक्निकलिटीज़ यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करते करते, माइक पे काम करते करते बहुत सारी चीज़ें सीख गए. हमारे तरफ के जो मोस्टली होते हैं, उनको टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, ना वो करना चाहते हैं. आते हैं, ट्यूनर लगा होता है. अब जैसे हमारे सिंग में प्रोसेस होता है, हम गाते हैं, मिक्स मास्टर होता है, एक प्रोसेस होता है. वहाँ पर नहीं, ट्यूनर ही लगा होता तो मिक्स मास्टर की जरूरत ही क्या. गाँव क्योंकि सुर से लेना देना होता नहीं, एक ढिकचिक ढिकचिक एक स्टाइल बन गया है, ट्यूनर का स्टाइल बन गया. लोगों को क्या है नहीं उससे मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ एक वाइब चाहिए होता है. तो मेहनत ही, अब हमारा गाना होता है, हम नौ नौ कभी कभी पाँच पाँच छः छः घंटे मिक्सिंग पे बैठते हैं कि एक एक चीज़ अच्छा है कि नहीं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो तलब है, वो कीड़ा है कि अपना बेस्ट जाना चाहिए. इधर उतना ज़्यादा नहीं है, तो अब क्या बोल सकते हैं, उनकी चॉइस है. हम तो अपना काम करेंगे, बाकी भगवान देख रहा है. तो अभी और कुछ गाने पाइपलाइन में? अभी मोस्ट बिल्कुल उसकी ये है कि कुछ चीज़ें अभी हैं कि अभी ज़्यादा फोक की तरफ ही हमारा है. तो हमने दो तीन और बहुत प्यारे प्यारे जो पुराने फोक हैं उसको रिक्रिएट किया है, जो कि बहुत अलग अलग चैनल से आ रहा है. और हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें हैं, अभी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, तो फिर आप देखेंगे नहीं. तो बिल्कुल एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा. तो बहुत सारी सीरीज़ के लिए हमने गाया है, तो वो एक एक करके जो है वो हमारी ऑडियंस को भरपूर मात्रा में प्यार मिलते रहेगा रहेगा और ऐसे ही मिलता रहे. एंड थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया और बहुत म्यूजिकल वाला मज़ा आया. बहुत सुन के आपकी आवाज़ जो है वो, मतलब भगवान ने जो है बड़ी शानदार आवाज़ दी है आपको. तो इसी तरह से आप गाते रहिए, एंटरटेन करते रहिए. और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक्स.